पहले मैं टूर ड्रीम के ओनर के हैसियत से सबको प्रणाम, और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे जो टूर ड्रीम के जो डिजिटल संभालते हैं अमन सोनी, उनका बर्थडे है, तो मैं बहुत सारी उनको शुभकामनाएं देता हूं। वो हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, खुश रहे, यही मैं आशीर्वाद देता हूं। और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, एकदम दिल भी उनका इतना ही अच्छा है। जैसे अमन अमन बोले तो पूरी दुनिया अमन पे चल रही है, वैसा ही उनका बड़ा दिल है। और मेरा सबसे फेवरेट एक मेरे लड़के जैसा है, तो मेरी बहुत सारी उसके शुभकामनाएं, बस उसको तरक्की मिले और सर देश का नाम कमाए, बस यही मैं दुआ करता हूँ। सर आपने गाना भी रिलीज हुआ नैना ना का है, और तो उसका गाना को जिस तरह से ये ने डिजिटल संभाला, आज गाना सुपर डुपर हिट है, मीडियम में चल रहा है, तो क्या कहेंगे उसको? नहीं, इसकी मेहनत है, वो अमन ने बहुत मेहनत किया है, क्योंकि तो मेरा चैनल को पूरा डेवलप करने में अमन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरे पहले दो गाने आए थे लेकिन उतना मेरा चैनल ग्रो नहीं किया था, लेकिन अमन ने पूरी तरह से मेहनत किया और रील्स में भी ट्रेंडिंग गाना चला दो महीने, और अभी भी अच्छा चल रहा है, उसका स्ट्रीमिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। जो नैना ना माने ना ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग रिलीज़ किया था हमने, उसको बहुत प्यार मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं ये भी उसका हिस्सेदार है सक्सेस में। सर आप बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, आप बहुत बड़े लीव अपने प्रोड्यूस किए, फाइनेंस किए, तो एक डिजिटल का क्या महत्व होता है आपके नजरिया? आजकल डिजिटल का जमाना है और डिजिटल चल रहा है। पहले तो मैं अमन भाई को थैंक्स फॉर इनवाइट मी, मुझे अच्छा लगा, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है, वो और आगे बढ़ेंगे, तो जैसे काम कर रहे हैं और इनको सर का भी सपोर्ट है तो आगे बढ़ेंगे, और मेरा उन थैंक्स फॉर इनवाइट मी एंड ऑल विशेस माय फॉर बर्थडे बॉय। पहले नहीं था, लेकिन आजकल डिजिटल इजीली एक्सेस है, आपको कुछ देखना है डिजिटल में, लोग थिएटर को इम्पोर्टेंस नहीं देते, डिजिटल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और लोग डिजिटल देखते भी है, और थिएटर में अगर एक आम आदमी भी जाएगा तो उसको 5,000 रुपया खर्चा होता है, कैंटीन समोसा ये, और डिजिटल इंसान घर पे बैठ के देख सकता है, कहीं भी शेयर कर सकता है, तो डिजिटल का आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सर अभी आपका तीन चार जो रिलीज होना है, तो कब तक दर्शकों को मिलेगा? मेरी अभी एक ही फिल्म बाकी है रिलीज़ होने की, वो शायद 2-3 महीने में रिलीज़ हो जाएगी। सर आपका और अभी दूसरा नया गाना, ये नया गाना वो पिया बोल के आ रहा है, अभी उसका शूट है बाकी है, 14 तारीख को रिलीज होगा, 14 अगस्त को। थैंक्स। सबसे पहले तो विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंड आई विश दैट यू ऑलवेज स्माइल लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, कीप रॉकिंग ऑलवेज एवरीवेयर। बस मेरी यही कामना है कि जैसे आप सबको आगे बढ़ाते हैं, भगवान अल्लाह पाक आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दे। बस मेरी यही डिजिटल ही तो इम्पॉर्टेंट है, और बाकी युग की तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, क्योंकि अभी देखो ये जो फ़ोन है ना, सबके हाथ में फ़ोन है, और जब फ़ोन आप जैसे ओपन करते हो तो 10 तरह के एप्लीकेशन, और वो भी नहीं तो इंस्टा है, फेसबुक है, या फिर यूट्यूब है, तो डिजिटल अगर नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ की कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रह गई है। तो आज के डेट में तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी है डिजिटल ही है। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी देखिए आप थिएटर में जो फिल्में लग रही हैं, लगने के बाद मुझे लगता है विद इन 1 मंथ सबके हाथ में होता है, तो डिजिटल का तो बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सिनेमा घर खत्म ही ना हो जाए और सबके पास सिर्फ फोन रहेगा, कोई भी फिल्म रिलीज होगी तो हम लोग फोन में ही देखेंगे। हितेश्वर भाई, आप भोजपुरी का मतलब बादशाह माना जाते हो रैपिंग में, तो आपका भी कुछ गाना अमन भाई देख रहे हैं, तो आपको मतलब क्या अनुभव है अमन भाई के साथ काम करते हैं, बर्थडे में आप क्या करना चाह रहे हैं? पहली बात, इन जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मेरे छोटे भाई अमन सोनी जी, और ये जो काम कार्य कर रहे हैं, जो काम करते हैं, इस सब की ज़रूरत है,
चाहे स्टार हो या यूट्यूबर हो या प्रोड्यूसर हो डायरेक्टर हो, तो अभी हॉट पीस है आज के डेट में, अब सबकी ज़रूरत है कि हम डिजिटल, जो डिजिटल किंग है एक तरह से उभरते हुए किंग है, तो मेरे लिए भी काफ़ी ध्यान देते हैं कि छोटी छोटी गलतियाँ को सुधारते हैं, बोलते हैं आप ऐसे अपलोड कीजिए और आप ऐसे रहिए, मेरी पर्सनालिटी में भी गाने का सलीका को भी ये लोग ये चेंज करते हैं और बताते हैं कि कैसे आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, कैसे आपको गाना है और कैसे आप किस टाइम पर रिलीज करना है, कैसे रील्स डालना है, तो ओवरऑल ये हमारा गाना देखते हैं तो इनको अरे हाँ बहुत खुशी की बात है, हमारे शिवा भाई उनके डेजी म्यूजिक है, उनके ऊपर एक मेरा गाना आया मार के चिलम बोलो बम बम बम, मार के चिलम बोलो बम बम बम, तोहर इनर्जी कब होई नहीं कम, ए मार के चिलम बोलो बम बम बम, तोहर इनर्जी कब होई नहीं कम। तो ये गाना रिलीज हुआ है इनके माध्यम से चैनल, और एक गाना आपका आया शिव जी जैसे माही जी के साथ में गाना आया, अरे बम बम लहरी, बम लहरी, हाथ जोड़ के पूछ ली माई पार्वती काए भांग पीनी रोजे, काए भांग पीनी रोजे, हमनी के काम बढ़ेला रोजे, हमनी के काम बढ़ेला रोजे, ए भोले सुनी खूब किसी आए घर चली जाए, लौट कबो कैलाश ना आए, बाजा ताटे देख गांव नगरी में बम 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 लहरी, बगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी। ये गाना माही जी के साथ मैंने किया हूँ गाना, खुद बैठी हैं, सावन का महीना है, हर हर महादेव, सबको आशीर्वाद लगे जितने लोग आए हैं। गाना हम लोग कोई भी शूट करते हैं तो सेट पे प्रॉपर माहौल बनता है, अभी शिवाजी का काम मैं कर रही हूँ, तो आपने जो डेजी म्यूजिक पे गाना रिलीज किया है जी जी, क्या बोल बताया आपने उसका, मार के चिलम बोलो बम बम बम, कितना बार मारा आपने ये बताइए? चिलम नहीं मारा है, एक ही बार दम मारा था, एक दम मारा था, नीचे लिखा था नो स्मोकिंग टू इंजुरीज टू हेल्थ लिख दिया था। अच्छा मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, आप एक मतलब समाज में गाना गाए और आप इसी व्यवहार को जान लिया, ये तो समाज आज क्यों चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए मेरा मानना है कि ईश्वर हर किसी के अंदर होता है, और लोगों का नजरिया होता है अपना अपना देखने का, कि आप किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शक्ति तो है, एक ऐसी शक्ति जो पूरे संसार को चला रही है, अब चाहे उसको आप अल्लाह बोलिए, भगवान बोलिए, चाहे आप क्रिश्चियन बन के पूजिए या जो भी समझ के पूजिए, लेकिन वो शक्ति है, तो हम बस उस शक्ति की पूजा करते हैं, उस शक्ति के लिए हम नमाज पढ़ते हैं, उस शक्ति के लिए हम गीत गाते हैं, बस दिल में आपके रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जब हम इंसान की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो जिसकी आप सभी पूजा करते हैं या हम लोग पूजा करते हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनना, एक ऐसा किरदार प्ले करना जो मेरी सोच से कहीं परे है, और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी बांग्लादेश का जो उसका है जिस हिसाब से बांग्लादेश में सबको मारा जाता है, बंगबंधु का नाम से एक एक्टर ने रोल किया, उस एक्टर को मर्डर कर दिया, उसको प्रोड्यूसर को मर्डर कर दिया, आज अगर आप बांग्लादेश में होते तो आप भी मर्डर हो जाते, तो आप भी इंडिया चली आती, मैं बांग्लादेश का उस मुसलमान के ऊपर आप क्या बोलते? देखिए मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, और मुसलमान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप अपने मज़हब को आगे बढ़ाने के लिए किसी को आप मारो, किसी को आप ज़बरदस्ती फोर्स करो कि आपको नमाज़ पढ़ना है, आपको इस्लाम पढ़ना है, नहीं, हिंसा इस्लाम में नहीं है, अगर कोई स्वेच्छा से इस्लाम को अपनाना चाहता है तो वो उसकी मर्ज़ी है, हम किसी पर थोप नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो पैगम्बर है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बॉडी पे, उनके बदन पे जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे तो कोई कचरा फेंक देता, कोई पानी फेंक देता, तो वो क्या करते थे, उससे लड़ते थे नहीं, चुपचाप से झाड़ के उन आगे निकल जाते थे, उनकी सहन शक्ति देखकर उसने इस्लाम कबूल किया कि इस्लाम के अंदर इतनी प्योरिटी है, लेकिन लोगों ने उसे गंदा करके रखा है। बस मैं यही कहूँगी कि चाहे कोई भी मुसलमान हो, या आप मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, सबसे पहले आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, रिलीजन बाद में आता है। बिल्कुल सही बात, आप अगर इंसान हैं तो इंसान की इज्जत कीजिए, एक इंसान को प्यार दीजिए, वो सबसे बड़ा मैटर करता है, और ये बांग्लादेश में हो या हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो गलत है वो गलत है। बस रैपर को गाना डेडिकेट करना चाहेंगे उनको?
चल बेटा आज तुझे पार्टी कराता हूँ, क्लब के ओनर से तुझे मिलाता हूँ, मेरी कितनी चलती है तुझको दिखाता हूँ, डीजे से ज्यादा है मेरे ही चर्चे, दारू तो सबको जितने हो खर्चे, वोटका सोटका वगाड़ी सगाड़ी फुल नाइट चलती रहेगी ये पार्टी। क्या बोल दिया पार्टी के बाद भाई के लिए? और बिल किसको जाएगा? आप लोगों को थैंक यू सो मच, आप लोग ना टाइम दिए और जो भी आए नगेश सर, शिवा सर और सबको दिल से थैंक यू, और मेरे भाई मोनू को भी थैंक यू, क्योंकि इतना अरेंजमेंट सब मेरे हाथ का नहीं संभव था। ये सब है डिजिटल का कमाल भाई, ये सब फंडा जो भी देख रहे हैं ना, सजावट पैसा ये सब डिजिटल है, पैसा कहाँ से आता है ये तो सबसे पहले जानना जरूरी है। सबके पास यूट्यूब चैनल है, अगर किसी को बुलाकर पूछ दिया जाए कितना अर्निंग करते हैं तो अर्निंग किसी का होता नहीं है, लेकिन बोलते हैं हम लोग यूट्यूब चलाते हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि पैसा आता कहाँ से है, कैसे आता है। तो सबसे पहले ए फॉर यू डिजिटल मेरा है, उसको फॉलो कीजिए, आपको पता चलेगा कि पैसा आता कहाँ है, वो हम बताएंगे आप लोगों को। जी मैडम, क्या शुभकामनाएं? मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी न्यूज लाना चाहती हूँ कि हम लोग एक नए गाने पे वर्क कर रहे हैं अभी, एंड इट इज़ गोना रिलीज अभी हमारे इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त तक। तो वो गाना आप लोग देखिए, हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पर, तो एज अ लीड मैं प्ले कर रही हूँ और हमारा हीरो है जो अभी यहाँ पे है नहीं, तो उसके लिए आप लोग विश कीजिए कि वो अच्छा सॉन्ग हमारा। अच्छा, भूल जा रहे हैं मैं अमन को जन्मदिन का ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ, और अमन जो डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग और भी इससे भी ऊपर लेवल तक सक्सेसफुल तक पहुँचे, यही मेरा शुभकामना है। नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, और आज बच्चे का जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है, और इतना ही है कि बच्चे से कहना कि आप जिस लक्ष्य पे निकले हो, आप जिस चीज़ के लिए आए हो मुंबई, आप उस टारगेट को पूरा करो, ये कामना है और ईश्वर से ये आशीर्वाद है कि आप जो चीज़ में हाथ डालो वो काम पहले पूरा करो। और आज जन्मदिन है तो जन्मदिन पे जितने हमारे 33 कोटि देवी देवताओं हों, सबका आशीर्वाद मिले, सबका प्रेम मिले, सबका स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले। और देखिए हम लोग तो भाई सबको जानते हैं, लेकिन आज बच्चा डिजिटल में काम कर रहा है तो हम सबका साथ है इस बच्चे के साथ, और हमेशा चाहेंगे कि बच्चा ऐसा ही आगे बढ़ता रहे और अपने इस डिजिटल में नाम काम जो भी अग्रसर है वो पूरा करता रहे। तो फिर से अगेन हैप्पी बर्थडे अमन, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, डिजिटल हो, जो काम कर रहे हो तन मन से, उस काम में ना सबसे पूर्ण रूप से लगो और वो काम करो, ये आशीर्वाद है महादेव का सबका, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं भाई के जन्म अमन के जन्मदिन में मैं आया हूँ, मैं इसको जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं म्यूजिक में हूँ नहीं, भाई से मिला, मैं पहली बार मिला हूँ, इनके बर्थडे पे मिला हूँ, तो इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। देखिए मैं बता दूँ, ये सुबोध सेठ जी हैं, सब लोग जानते हैं, इंडस्ट्री के बहुत माने जाने ये एक्टर भी हैं और बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, जिन्होंने खेसारी लाल जी को लेकर के इन्होंने फिल्में बनाई, और आज भी बहुत सारी फिल्में इन्होंने अब कर रहे हैं, अब बहुत सारे डिजिटल में भी काम करेंगे। अरे मैं एक भाई के नाते आया हूँ बर्थडे में, वो प्रोड्यूसर एक्टर नहीं, लेकिन परिचय भी तो देना जरूरी है ना कि आप देखिए सुबोध भाई, आप भाई हमारे, तो
हमारे ऑडियंस, मीडिया, जितने हमारे पब्लिक है, ये भी तो जाने कि आप हैं कौन। अरे ठीक है, ऐसे भी देखेंगे तो जो पहचानते हो पहचानते हो। बताइए कौन कौन सी फिल्में आपने खेसारी लाल जी को लेकर बनाई है? मैंने एक ही फिल्म बनाई है उनको लेकर, गॉडफादर। तो गॉडफादर के प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं और उसमें विलन भी नजर आएंगे और न जाने अनगिनत कितने फिल्मों के। मैं प्रोड्यूसर बाद में हूँ, एक्टर तो पहले। एक्टर ये पहले हैं, प्रोड्यूसर बाद में हैं। तो सब जनता जनार्दन से यही है कि भाई इनको भी सपोर्ट करें, हमको भी करें, और मेरे बच्चा हैं इनको भी सपोर्ट करें, भाई को भी। बस हर बर्थडे पहले तो अमन को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अमन को और मेरे को मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस एक ही साल हुआ है जस्ट, लेकिन उसको मिलके ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इतना क्लोज रहता है, इतना फ्रेंडली रहता है कि ऐसा लगता नहीं कि कोई और है ही है। और इसके काम की वजह से हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। पहली बात तो मेरा यूट्यूब चैनल है डांस विद अक्षय करके, यूट्यूब पे तो ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा था पहले, लेकिन जब से वो काम मैंने अमन को दिया है तो उसमें आप बोल सकते हो कि ग्रोविंग ज़्यादा हो गई है तब से। तो थैंक यू सो मच अमन इतना हेल्प करने के लिए, और काम का बंदा बहुत अच्छा है, जो काम इसको आप दो वो सही तरीके से करता है, तो इसी वजह से हम उसके साथ में आज तक जुड़े हुए हैं। सर आपको कितना महीना हुआ, कितना साल हुआ? हाँ, मैंने अभी बोला कि एक साल ही हुआ है मिले हुए, एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे लगता है कि बहुत टाइम से ही हमारे साथ में है। मेरे घर पे भी आता है, लेकिन इतना फैमिली मेम्बर की तरह रहता है, उसका बात करने का तरीका सब अच्छा है, इसकी वजह से हम लोग इसके साथ में अब तक है और हमेशा रहे। हाँ, बेसिकली बहुत बहुत शुभकामना आपको, हैप्पी बर्थडे। और अमन के बारे में नो वर्ड्स, बिकॉज वर्ड ही नहीं है उनके लिए बोलने जैसा, बिकॉज वो इतना तरक्की कम टाइम में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, और हम चाहते कि हमारे तरफ से और ज़्यादा तरक्की करे और हमारे गांव का और मुंबई का दोनों जगह का नाम रोशन करे। नहीं नहीं मेरे सर, जब से एक साल से मैं जुड़ा हूँ, जब से मुंबई आऊँ, साल भर ही मुंबई हो रहा है मेरा यहाँ पे आना, तो मैं एक फैमिली जो मेंबर होते हैं मेरे, मुंबई का जो फैमिली है यही मैम और सर हैं, और इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, मेरा सब कुछ, मतलब बोले तो सब कुछ यही लोग। थैंक यू। अमन भाई का बर्थडे आज, आप क्या करना? हम देखिए हमारे साथ में अमन जी का मतलब 4-5 महीने का रिलेशन है, और हमारा चैनल भी यही देखता है, डेजी म्यूजिक का पूरा चैनल देखते हैं। जब से अमन जी आए तो हमारा चैनल पहले थोड़ा सा शॉर्टकट था, अब थोड़ा ग्रोथ करने लगे और अच्छा काम कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि ये बर्थडे में बर्थडे ऐसा, इसीलिए मैं विश कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल को और ग्रोथ करो तो अगले साल और बड़ा पार्टी करेंगे, क्योंकि चैनल अगर मेरा बड़ा होगा, तुम्हारा नाम होगा, मेरा नाम होगा, सबका नाम होगा, ठीक है। आर्टिस्ट लोग कैसे होता है, हम किसी से गाना कराते हैं, लेकिन जब तक डिजिटल उसमें मेहनत नहीं करेगा, कोई भी बड़ा आर्टिस्ट हो, पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो, किसी का गाना वायरल नहीं होता है, वो ओनली फॉर काम होता है डिजिटल का। अगर वो डिजिटल को, अगर ये तो बताता नहीं है करता क्या है, डिजिटल में करता क्या ये नहीं बताता, लेकिन गाना हमारा वायरल हो जाता है, लेकिन यही डिजिटल का काम है, बिना बोल के उनका काम होता है ये। और मैं चाहूँगा इस बार बर्थडे में, पहली बार अमन के साथ हम बर्थडे बना रहे हैं, तो हम चाहूँगा अगले बार 5-स्टार में हम लोग बर्थडे बनाएं। अगर हमारा चैनल बहुत बड़ा कर दो, तुम्हारा अगले साल बर्थडे होगा 5-स्टार में। और हमारे हीरो भी है, 4 गाना में मैंने ये इनको लीड दिया हूँ, मुन्नू को, मनु से जानेंगे अपना डेजी म्यूजिक का गाना किस तरह से शूट हुआ, और उसका पूरा श्रेय अमन का है। सबसे पहले अरे बहुत सारे गाने हैं हमारा बहुत सारे गाने हैं डेजी म्यूजिक में, अभी हमारे पास कम से कम 13-14 गाना ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक पे है, लेकिन अभी हम लोग सोच ही नहीं पा रहा कौन सा छोड़ के कौन सा छोड़ू,
अभी हम लोग मोनी मीरज का एक गाना जोड़ा, फिर अभी रानी एक्ट्रेस रानी उनका गाना छोड़े, अभी ये मतलब इसके बाद ये गाना आने वाला है अपना, इस तुम्हारा नहीं है दोस्ती नहीं आने वाला है, दोस्ती का नहीं डालने वाला वो, अभी गाना आएगा इंस्टाग्राम के ऊपर एक गाना हम लोग ने बनाया, वो गाना आने वाला है। वो बहुत सुपर शूट हुआ दिल्ली में, हम लोगों ने 6 गाना दिल्ली में शूट करके आए और पहले से हमारे पास अभी स्टॉक पे और गाना पड़ा है, लेकिन हम लोग क्या 12 दिन में डेजी म्यूजिक एक गाना लॉन्च करते, अभी 3 दिन ही हुआ दूसरा गाना लॉन्च करके, अभी आपको 9 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा नया गाने के लिए। हाँ एक दो शायद एक या दो गाना में अमन भाई खुद रोल किया है और उनका बॉडीगार्ड भी एक गाने में मैं बनाऊंगा। सबसे पहले मेरे भाई का आज बर्थडे है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है और ये सब जितना बर्थडे हो रहा है मतलब हम दोनों भाई की मर्जी से हो रहा है और हम लोग आज बहुत खुश हैं, मतलब मुंबई में आए थे यहाँ से आज यहाँ तक पहुँचे आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, और मेरे बहुत अच्छे अच्छे गाने आने वाले हैं डेजी म्यूजिक से जो हम लोग ने दिल्ली में तड़प के शूट किया हुआ है, धूप में शूट हुआ इसीलिए काला हो गया, इसके लिए मैं काला भी हो गया। 45 डिग्री में शूट हुआ है, 45 डिग्री में मेन रोड पे डांस करना, उसके बाद हम लोग का कैमरा तक जब्त हुआ था। यस यस, लाल किला में हमारा शूट चल रहा था, कैमरा 2 घंटा पुलिस ने जब्त करके रखा था, लेकिन चलो बाद में दे दिया 2 घंटा बंद नहीं किया, कंटिन्यू 144 डाला था। आउटडोर का शूट है, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं आप लोगों को डेजी म्यूजिक पे देखने मिलेगा और वो गाना बहुत ही प्यारा है, जितना हो सकेगा आप लोग के नज़र के सामने रहेगा कुछ दिनों में, जैसे सावन खत्म होगा वैसे ही डीजी म्यूजिक पे बवाल आएगा। मेरा आने वाला प्रोजेक्ट अभी बहुत सारा, मैंने 15 से 20 गाने शूट किए हैं दिल्ली में, कुछ मेरा डीजी म्यूजिक से आने वाला है, आरएन म्यूजिक एक्शन से आने वाला है, कुछ राधा म्यूजिक वर्ड से आने वाला है, कुछ A4UG डिजिटल से, MM म्यूजिक हिट से, मतलब बहुत सारी कंपनियों के लिए मैंने काम किया है। और मेरा एक गाना हिट हुआ था जाय ना देव बंगाल में, बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिला था, जो कि अभी मार्केट में 20 मिलियन व्यू है उसका और 7-8 लाख रील बन चुके हैं, और भी इसी तरीके से आप लोगों का प्यार रहा तो बैक टू बैक मेरे सारे गाने। शिवा सर के लिए तो कोई शब्द नहीं है क्योंकि ये मेरा पिता समान है और जो भी है, जब मुंबई में आए थे तो साथ देने वाले, स्थान देने वाले, जगह देने वाले यही हैं, तो इनके लिए कोई शब्द नहीं है। मेरा 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 सबसे बेस्ट फ्रेंड लोग पूछता है ना कौन है, हम यही है मेरा मोनू भाई, और मतलब मेरा दोस्ती एक ही आदमी से है वो ही है मोनू, और कोई नहीं है। आपका जो गाना आया था जिसमें आपने लीड किया था चल रहा है भाई, वो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, मेरा जो कोरियोग्राफर था ना संजय, वो मुझे ज़बरदस्ती उस गाने में डाला है, मैं नहीं चाहता था एक्टिंग करने, लेकिन ठीक है दर्शकों ने गाना अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, रिस्पॉन्स हुआ शायद एक लाख व्यू उसका क्रॉस हो गया है, और अच्छा अभी सोचता हूं और कुछ करेक्टर करूं। खबरें ये भी आ रही है कि कोई आने वाले 12-13 जो गाने हैं उनमें सचिन भी लीड पे नजर आने वाला है। सचिन का तो हाय अमन जी, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। अमन जी जिस तरीके से आप काम कर रहे हो और आगे बढ़ो, हेलो आपको बहुत सारी मतलब शुभकामना दी, थैंक यू सो मच। बस बस प्रोजेक्ट तो मेरा लगभग हिंदी चैनल है मेरे पास, जो कि ट्रू ड्रीम म्यूजिक हो गया, अभी तो लगभग मैं जी म्यूजिक वगैरह टी सीरीज़ का भी मैं अपना प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, और प्रोजेक्ट टू बैक प्रोजेक्ट बहुत सारा आने वाला है, अभी जी का एक ट्रेलर का प्रमोशन में कर रहा हूँ तो उसका भी अच्छा खासा चल रहा है, अभी एक का प्रमोशन हम फिर कर रहा हूँ, क्या नाम है 200+ चैनल है। अच्छा इसके अलावा हर बर्थडे पे लोग जो है कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, इस बार आप क्या सोच रहे हैं नया करने के? ये सोच लें जो भी हमसे जुड़े हुए हैं चैनल के, तो उस चैनलों को ग्रोथ करना है और उस चैनलों को ऊंचाई तक ले जाना है, जी जो भी लोग जुड़े हैं मुझसे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड विश यू हैप्पी बर्थडे,
तो इनके बर्थडे पे हम कुछ कर पाए एज जीन इवेंट्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई होप इनको अरेंजमेंट अच्छा लगा जो भी किया है, और हमेशा ये हमारे साथ एसोसिएटेड रहे शायद कुछ फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी। बट मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, होप आप और ग्रो करें आपके करियर में, एंड यू विश वेर एवर यू विश टू रीच आप वहाँ पे रीच करें। थैंक यू सो मच। अभी जितना सजावट दिख रहे हैं ना तब मैडम कहीं देने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।